एक लड़की लड़कों के साथ शादी का ड्रामा करती है, दुल्हन बनती है और फिर लड़के से रुपए ऐंठकर गायब हो जाती है। इस लुटेरी दुल्हन का पूरा गिरोह है। बड़ी मुश्किल से ये लुटेरी दुल्हन पुलिस के हाथ लगी है। देवास की भौरासा पुलिस पिछले 3 महीनों से लुटेरी दुल्हन की खोजबीन में लगी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एकता नगर नीलगंगा थाना उज्जैन से अपने दोस्त के घर पर आराम कर रही लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया और थाना भौरासा ले आई। फरियादी रवि ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उज्जैन निवासी राधिका यादव और उसके अन्य साथियों ने मेरे साथ शादी का नाटक कर 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है, जिस पर थाना भौरासा ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया। राधिका के साथ देने वाले अन्य आरोपी महेश यादव, राजेश उर्फ राजू सुनहरे, धर्म सिंह उर्फ मोहन सिंह जादौन, अखिलेश यादव को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। तब लुटेरी दुल्हन राधिका गायब हो गई थी। 3 महीने से फरार चल रही राधिका की सूचना के लिए देवास पुलिस अधीक्षक ने 2000 के इनाम की घोषणा भी की थी। राधिका यादव पर अन्य जिलों में भी इसी प्रकार शादी कर साथियों के साथ लूटने की घटनाओं को अंजाम देने के मुकदमे दर्ज हैं। भौरासा थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया, राधिका शादी कर रुपए ऐंठने का काम करती थी और पुलिस की धमकी देती थी, जिससे लोग बदनामी के डर से सामने नहीं आते थे। अब ये पकड़ी जा चुकी है। सभी से अनुरोध है कि अब सामने आकर इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं। देखिए, ये महिला जो है ये बार बार लोगों को शादी का झांसा देकर उनसे रुपए ऐंठ लेती थी और बाद में उनके खिलाफ रिपोर्ट करने की धमकियां देती थी। तो इसमें हमारे यहाँ रवि कलोता है खुनपीर रुपया के, उन्होंने जनवरी में अपराध पंजीबद्ध कराया था। उनसे भी इन्होंने शादी का कहकर 2 लाख रुपए इनने और इनके साथियों ने ऐंठ लिए थे और फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद ये रात में भाग गई थी। इस घटना के संबंध में थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर धारा 420-434 के अंतर्गत विवेचना की गई और आरोप प्रमाणित पाए जाने पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। यह तभी से लगातार फरार चल रही थी और इसके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसको आज मुखबिर की सूचना पर कि उज्जैन में है, उज्जैन टीम रवाना की थी, जिसमें उप निरीक्षक अख्तर पठान, प्रधान आरक्षक राजेंद्र शर्मा, आरक्षक भूपेंद्र और एवं अन्य लोग रवाना हुए थे। उन्होंने वहां से इसको गिरफ्तार किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।